जय जिनेंद्र, वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे होममेड पास्ता, तो उसके लिए वो भी सूजी से रवा से बनाएंगे। तो 1/2 kg जितनी रवा लिया है और 2 टीस्पून ऑयल और सॉल्ट, और फिर कोमट यानी मुलायम सा गरम उस पानी से हम आटा बांधेंगे। ये खाने में एकदम सॉफ्ट और यम्मी बनते हैं पास्ता, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये देखिए, और इसे हमने थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करने को भी रखा था। अब हमने एक बड़ा लोया लिया है, उसके इस तरह से पतली रोटी बेल ली है। इसे ज़्यादा जाड़ी ना बनाए, पतला ही बनाए। फिर पिज़्ज़ा कटर से इसे कट करेंगे, इस तरह के पतले पतले स्ट्रिप्स कट करें और ऐसा पतला होना चाहिए। अब हमने पानी को हम गरम करने को रखा था, जब बॉईल आएगा तब इसे छोड़ेंगे। और इसमें भी मैंने 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है ताकि ये चिपकेगे नहीं। और फिर इसे हम मीडियम गैस पे पकने देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये जब पक जाएंगे, अच्छे से टूट रहे होंगे, तब समझिएगा कि ये रेडी हो चुके हैं। फिर इसे हम पानी में से निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसे हम थोड़ी देर सूखने को रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पास्ता रेडी है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो पहले गार्लिक, आपको अगर जैन बनाना हो तो गार्लिक स्किप कर सकते हैं। 1 कैप्सिकम और 1 छोटा प्याज, सॉरी टमाटर। और 2 टमाटर की ग्रेवी बनाई थी मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे। टेस्ट अनुसार सॉल्ट, और थोड़ी मिर्ची पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और फिर ये पास्ता मसाला, आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से 2 पैकेट या 1 पैकेट ले सकते हैं। और थोड़ा सा टोमेटो केचप, और थोड़ा मेयोनीज, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आने के लिए। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें वो पास्ता ऐड करेंगे। ये एकदम हेल्दी और टेस्टी भी है। बाहर से जो पास्ता है उससे तो ये कई गुना ज़्यादा अच्छा टेस्टी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रेडी है यम्मी टेस्टी हेल्दी घर का बना रवा से पास्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।